ফুল দহে লাগা লাগে ন देखिए, ये बोट होता है जो चिल्का के अंदर जाने के लिए, जो सारी टूरिज्म को घुमाने के लिए, जो डल्फिन आइलैंड और सीमाउथ की राजेंस घुमाने के लिए वही बोट यूज कर रहा है जी। आप आइए, पहले जो भी आदमी आएगा उधर से बैठेगी और वो बोट को फिर देखिए वो कैसा है बोट, जो नकड़िया से बना है वो नकड़िया से कैसे कैसे बनाती हैं और कहाँ से कभी भी किसी बैठता है आदमी, और सेब कितना है वो बोट, फर्स्ट सेब कितना है। देखिए आइए, पहले आइए उन बोट में जाइएगा क्या क्या है उधर अंदर से आप देखेगी। वो बोट है जो आदमी आएगी उधर से आएगी और उधर से उठेगी बैठने के लिए, जो आएगी उधर से आएगी, चलिए फिर उधर से बैठ के घूमेगी। जो नहीं घूमेगी वो गिर जाने के लिए तरीका होता है, जो बैठ जाएगी सेब होता है। आपको कोई भी गिरना मत, पहले उधर से आएगी और पहला ये वो सीट होता है, जो बोट का सीट होता है वही। देखिए उधर में सीट में कोई ऐसे तरफ से सीट ही रखा देता है, उसको पहले देखता हूँ कैसे रहता है, वो ड्राइवर को बुलाता हूँ दिखाएगी। अब आइए हमको दिखाइए वो सीट कैसे पड़ेगी और जी। देखिए वो सीट बैठने के लिए होता है, जो हर आदमी बैठने के लिए सीट भी गद्दी का सीट होता है, जो कोई स्मूथ लगेगा वो आपका बैठने के लिए, जो इसीलिए उसको हम यूज कर रहा है। ये दूसरा पकड़िए, देखिए वो भी इधर से वो साइड भी होता है, दो सीट यूज होता है जो गद्दी का होता है जी। पहला ये, दूसरा ये, वो जो है ना इसमें बैठ सकता है, जो आराम से बैठेगी कोई भी। देखिए वो मंचा होता है जो इसीलिए भी बैठ सकता है, जो ज़्यादा आदमी आएगी, जो सात आदमी बैठने के लिए होता है उधर से चार आदमी बैठ सकते हैं, तो दो आदमी बैठ सकते हैं उधर, और ज़्यादा आदमी होगी तो उधर ये भी यूज हो सकता है बैठने के लिए। और दूसरा बात है वो बोट कैसे चलता है, ये बोट चलने के लिए हम कोई भी नकलिया का कि हमारा कोई परिश्रम नहीं होता है, जो डीजल का इंजन होता है वो इंजन हम लोग यूज कर रहे हैं। वो इंजन डीजल का इंजन होता है, इसको स्टार्ट करने बाद वो मोटर यूज होता है, वो मोटर जो पंखा घूमता है पानी के अंदर जी, इसको कंट्रोल करने के लिए पानी के समय, जो पवन हवा के समय कंट्रोल करने के लिए वो इंजन बोट को उसी में होता है, जो इंजन के पास हैंडल होता है, वो यूज होता है हैंडल, इसको बोलते हैं हम लोग हैंडल, जो इसको जो बोट को कंट्रोल करने के लिए, जो चलाने के लिए ज़्यादा बड़ा बोट होता है, जो इसीलिए वो हैंडल को यूज करके घुमाता रहता है उधर से ओ साइड। दोबारा आइए, वो बोट जाने के बाद जो पानी के अंदर कोई भी इंजन खराबी हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया, हम क्या करेगी, इसी समय हमारा पास एक जो बोट के अगले हिस्सा में एक रखता हूँ हम नंगड़, जो यू इसी तरह से होता है, जो इसको कोई भी पवन की बारिश के मौसम समय जो इंजन इफेक्ट हो सकता है, इसको हम पानी के अंदर फेंक कर बोट को कंट्रोल में रखेगी, जो स्थिर रह सकता है। दूसरा बात है जो वही समय हम क्या करेंगे, वो अंदर में पानी में तो इंजन ख़राब हो गया, हम क्या करेगी, इसीलिए आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। वो तकलीफ़ को दूर करने के लिए हमारा बोट स्पीड बोट रहता है हमारा, वो स्पीड बोट आपका पास तुरंत पहुंच जाता है, जब तक 15 मिनट के अंदर अब बोट आपका पास रिक्शे करने के लिए आपको आने के लिए पहुँच सकता है। और तीसरा बात है वो बोट जो जाएगा, जो टूरिस्ट जाएगी चिल्का के अंदर जाएगी, क्या उनके के लिए लाइफ मैंने सेव करने के लिए कोई है क्या नहीं है, वो सारी आदमी उनके लिए हम यूज करते हैं जो लाइफ जैकेट होता है, जो सेव और लाइफ बॉय एंड लाइफ जैकेट दोनों चीज़ यूज करता है, जो बोट में जब बैठेगी उनको हम पहन सकता है, इसीलिए